हेलो एवरीवन। चलो, अच्छा पिछले लेक्चर में हमने 40 स्मॉल ए डिस्कस किया था। इस लेक्चर में मैं आपसे एक सेक्शन और डिस्कस करूंगा। सेक्शन है सेक्शन 40 स्मॉल बी। और जो सबसे पहली हेडिंग अगर आप पढ़ोगे ना, तो लिखा हुआ है इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स, मतलब सेक्शन 40 बी अप्लाई सिर्फ और सिर्फ कौन सी फर्म्स के केस में करेगा? पार्टनरशिप फर्म्स के केस में। बाकी किसी केस में ये वाला केस अप्लाई नहीं करेगा। क्या कहता है, ध्यान से समझना। सिंपल सेक्शन, पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑब्लिक इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर्स शैल बी डिसअलाउड इफ नॉट मेंशनड इन पार्टनरशिप डीड। अच्छा एक बात याद रखना, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है या इंटरेस्ट ऑन लोन दे रही है, तो उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का या इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन पार्टनरशिप फर्म को नहीं मिलेगा अगर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड नहीं है। मतलब एक बात समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन पार्टनरशिप फर्म तभी ले सकती है व्हेन इट इज स्पेसिफाइड इन पार्टनरशिप डीड। तो अगर पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाइड है, पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकती है। अगर पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाइड नहीं है, तो पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं ले पाएगी। अच्छा सेकेंड पॉइंट एक और है, However, if clause is mentioned in partnership deed, then a maximum of 12% per annum will be allowed. अच्छा एक बात मेरी और सुनो, पहली बात मैंने क्या कही, अगर पार्टनरशिप डीड में कोई क्लॉज इंटरेस्ट को लेके मेंशन नहीं है, तो पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं ले पाएगी। अगर 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 पार्टनरशिप डीड में क्लॉज मेंशन है, तो पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट का डिडक्शन ले पाएगी, बट मैक्सिमम कितना डिडक्शन ले पाएगी? 12% पर एनम का डिडक्शन ले पाएगी, उससे ज्यादा नहीं। तो एक बात याद रखना, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, नो डिडक्शन। अगर पार्टनरशिप डीड में क्लॉज मेंशन है, तो डिडक्शन ले सकती है, लेकिन मैक्सिमम 12% पर एनम का। अच्छा थर्ड पॉइंट, सैलरी बोनस कमीशन इज अलाउएबल एज अ डिडक्शन ओनली व्हेन, वही सेम बात, क्लॉज इज मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड एंड इज पेबल टू अ वर्किंग पार्टनर। अब सुनो, पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी दे रही है, बोनस दे रही है, कमीशन दे रही है, तो एक बात याद रखना, पार्टनरशिप फर्म उस सैलरी का, उस बोनस का, उस कमीशन का डिडक्शन ले सकती है, प्रोवाइडेड क्लॉज मेंशन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में, पहली शर्त। और दूसरी बात, वो सैलरी, वो बोनस, वो कमीशन किसको दिया जा रहा है? इट इज पेबल टू अ वर्किंग पार्टनर। तो दो शर्तें हैं, पहली बात क्लॉज मेंशन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में, और दूसरी बात किसको दी जानी चाहिए? वर्किंग पार्टनर को। अच्छा यहां पर भी ना कुछ लिमिट है। फोर्थ पॉइंट पढ़ना, क्या है लिमिट? Least of the following shall be allowed as a deduction. A point है amount paid or payable to a working partner. मैं इसकी जगह ना आपको लिख पाता हूं, amount specified in partnership deed. ये ज्यादा appropriate है, आप लोग भी लिख लेना, amount specified in partnership deed. अच्छा सुनो, कितना deduction ले सकती है partnership firm? जितना partnership deed में specified है और अमाउंट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 40B, जितना 40B में स्पेसिफाइड है, दोनों में से जो भी क्या है लेस है। अब सुनो, 40B में कितना स्पेसिफाइड है देखना, ऑन द फर्स्ट ₹3 lakh ऑफ बुक प्रॉफिट्स और इन केस ऑफ लॉस 90% ऑफ बुक प्रॉफिट्स और ₹1,50,000 विच एवर इज मोर, मतलब हायर देखना, विच एवर इज हायर, ठीक है। ऑन द बैलेंस बुक प्रॉफिट 60%, मैं आपको करके बता देता हूं। ये यहां पर देखो,
ठीक है, यहां पर देखना है, देखो एग्जाम्पल, सपोज सपोज पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप डीड में क्लॉज मेंशन्ड है कि हम पार्टनर्स को सैलरी पे करेंगे रुपीज 10,000 पर मंथ, और फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, तो बताना सैलरी एज पर पार्टनरशिप डीड कितनी आ गई? 10,000 पर मंथ, तो साल की हो गई 1,20,000, तो 3 पार्टनर्स की 3,60,000, ये तो हो गया एज पर पार्टनरशिप डीड 3,60,000। ठीक है, चल अब मैं आपसे बात करता हूं, ये तो हो गई पहली चीज। अब हम बात करते हैं अमाउंट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 40B। ठीक है, क्या कहता है? उसने कहा है कंपनी के प्रॉफिट्स देखो, कंपनी के क्या देखो, प्रॉफिट्स। सपोज सपोज कंपनी में प्रॉफिट्स कमाए 5,00,000 रुपए के, कितने प्रॉफिट्स कमाए? 5,00,000। उसने कहा कि 5,00,000 के प्रॉफिट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, अप टू 3,00,000, तो 5,00,000 में से 3,00,000 तो ये आ गया, और बचे कितने? रिमेनिंग 2,00,000। ठीक है, उसने कहा अप टू 3,00,000, यहां पर देखना अप टू कितना, अप टू 3,00,000, ये देखो उसने कहा अप टू 3,00,000 90% ऑफ बुक प्रॉफिट्स और 1,50,000 दोनों में से जो भी क्या है बताओ, हायर। तो जरा फिर से आ जाओ इस पे, आ जाओ एग्जाम्पल पे, अच्छा मुझे बताओ 3,00,000 तक कितना है? 3,00,000 का 90% यानी 2,70,000 और 1,50,000 दोनों में से जो भी क्या है, हायर, बताओ कितना आ गया हायर? 2,70,000 हायर आ गया, बचे हुए 2,00,000 पे 60% है, तो 2,00,000 का 60% यानी 1,20,000, तो बताओ कि कितना बनता है? 270 + 120, 3.9 लाख, 3.9 लाख। तो चलो अपने आप बताओ मेरे को, सैलरी एज पर पार्टनरशिप डीड 3,60,000, सैलरी एज पर पार्टनरशिप डीड 3,60,000 और अमाउंट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 40B 3,90,000। उसने कहा दोनों में से जो भी लीस्ट है, तो ये लिस्ट आ रहा है, तो इसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा अंडर सेक्शन 40B। बस ये आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 40B। ठीक है, तो मैं एक बार ना सेक्शन 40B पूरा एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिंपल है। देखो मुझे बताओ, पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर दी है, उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन पार्टनरशिप फर्म को मिलेगा, प्रोवाइडेड क्लॉज मेंशन्ड होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में, पहली बात। दूसरी बात मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा 12% पर एनम का, बात समझ आई? अच्छा, अगली बात आती है सैलरी बोनस कमीशन का डिडक्शन पार्टनरशिप फर्म को तभी मिलेगा जब पार्टनरशिप डीड में क्लॉज मेंशन है, और वो सैलरी बोनस कमीशन किसको दिया जा रहा है? वर्किंग पार्टनर को। अच्छा, कितना डिडक्शन मिलेगा? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी दो शर्तें? सैलरी एज पर पार्टनरशिप डीड और सैलरी एज पर सेक्शन 40B, दोनों में से जो भी लेस है। क्या कहती है सैलरी एज पर सेक्शन 40B? 3,00,000 तक के प्रॉफिट्स पे 90% और 1,50,000 विच एवर इज हायर, और बचे हुए 2,00,000 के प्रॉफिट्स पे 60%। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 40B, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।